कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हुए आतंकी हमले की करेंगे घाटी में एक बार फिर बीजेपी के नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। कुलगाम में बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव समेत नेताओं की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। कश्मीर में फिर आतंकियों का खूनी खेल, तीन बीजेपी नेताओं की हत्या, आतंकियों के हॉटस्पॉट कुलगाम पर शिकंजा। सियासी लिहाज से ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रही धरती की जन्नत एक बार फिर खून से लाल हुई। सुरक्षा बलों के आगे पस्त हो रहे आतंकियों ने निराशा में आपक होते हुए खूनी खेल खेला। साउथ कश्मीर के काजीगुंड में आतंकियों ने इसी कार में सवार बीजेपी के तीन नेताओं पर सामने से गोलियां बरसा दी जब वो घर जा रहे थे। आतंकी हमले में बीजेपी के युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन समेत तीन नेताओं की मौत हो गई। फिदा हुसैन के साथ हमले में मारे गए नेताओं के नाम उमर राशिद बेग और उमर रमजान हैं। तीनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। बीजेपी ने साफ कहा है कि जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं वो निशाने पर हैं। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रभाव किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। खैर, इसको सहन नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, मैं इस हत्याकांड की कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा करने वाले मानवता के दुश्मन हैं। ये उनकी कायराना हरकत है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कश्मीर में बीजेपी के नेता हाल के कुछ हफ्तों में आतंकियों के निशाने पर आए हैं। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी के अलावा उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त को कुलगाम के आखरन नौपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ था। 6 अक्टूबर को गांदरबल में भी जिला भाजपा अध्यक्ष गुलाम कादिर राठौर को मार दिया गया था। ये भी महज संयोग था कि एनआईए ने कुलगाम में ही आतंकियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुछ घरों की तलाशी ली गई थी लेकिन कुछ घंटों बाद ही आतंकियों ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ कमलजीत संधु, आज तक। तो कश्मीर में बीजेपी नेताओं की हत्या की पीएम मोदी ने निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, अपने तीन युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूं। वो ऊर्जावान युवा जम्मू कश्मीर में शानदार काम कर रहे थे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।